जोधपुर के शेरगढ़ ब्लॉक के गांव बुंगरा में हुए सिलेंडर ब्लास्ट हादसे में अब तक 33 लोगों की जान जा चुकी है। समाज के लोग बोले, जयपुर में डांस क्लब चल रहा है, कल काला दिवस मनाएंगे। जोधपुर गैस ब्लास्ट हादसे में अब तक 33 लोगों की जान जा चुकी है, कुल 17 लोग अभी भी घायल हैं महात्मा गांधी में, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें से 8 आईसीयू में हैं, जबकि 9 सामान्य बर्न यूनिट में एडमिट है। शुक्रवार को अस्पताल में एडमिट चंपा कंवर पत्नी जबर सिंह ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। चंपा कंवर 60% से अधिक जली हुई थी। जोधपुर के शेरगढ़ कस्बे के भोंगरा गांव में हुए 8 दिसंबर को शादी समारोह वाले घर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से आग लग गई। महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर परिजन और समाज के लोग 4 दिन से सरकार से विशेष पैकेज सहायता देने की मांग करते हुए धरना दे रहे हैं। इस दौरान परिजन अस्पताल से शव भी नहीं उठा रहे हैं। ऐसे में अस्पताल की मोर्चरी में 800 डीप फ्रीजर में रखे हुए हैं। परिजनों और समाज के लोगों ने सरकार की ओर से मांगे नहीं माने जाने तक बॉडी लेने से इनकार कर दिया। धरना स्थल पर शनिवार को भी बड़ी संख्या में समाज के लोग जुटे। समाज की ओर से राज्य और केंद्र सरकार से मृतकों के परिजनों को 50 लाख और हादसे में घायल हुए मरीजों को 25 लाख की आर्थिक सहायता एवं एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग की जा रही है। समाज के लोगों ने रविवार 18 दिसंबर को धरना स्थल से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालने और काला दिवस मनाने का फैसला किया है। इस रैली को विभिन्न समाजों के संगठनों ने भी समर्थन दे दिया। ओबन टाइगर फोर्स के माधो सिंह उद्दट ने कहा है कि रविवार को काला दिवस मनाएंगे, मांगे नहीं मानी तो सीएम के घर के सामने आत्मदाह करूंगा। राहुल गांधी की यात्रा में जो डांस क्लब चल रहा है वो जरूरी नहीं है, इस वक्त इस त्रासदी पर ध्यान देना जरूरी है। यहां लोगों के घर खाली हो गए, रोने वाला भी पीछे नहीं बचा है। वहीं बाबू सिंह राठौर पूर्व विधायक ने कहा है कि 18 दिसंबर रविवार को सुबह 11 बजे समाज के लोग कलेक्ट्रेट तक रैली निकालेंगे। रविवार को काला दिवस मनाया जाएगा, कानून व्यवस्था बिगड़ी तो सरकार खुद जिम्मेदार होगी। वहीं पुकरा सिंह राजपूत समाज के नेता ने बताया कि युवाओं से निवेदन है कि रविवार को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या धरना स्थल पर पहुँचें और रैली में शामिल हो। 36 कोम के लाख लोग साथ हैं, आज धरने की रणनीति बना रहे हैं। आपको बता दें कि अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजश्री बोहरा ने कहा है कि बच्चे की बॉडी 4 दिन से मोर्चरी में है, कोई 2 दिन से है तो कोई 3 दिन से है। संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, डीप फ्रीजर की भी लिमिट होती है, पहले ही बॉडी से स्किन उतरी हुई है, ऐसे में संक्रमण का बढ़ने का खतरा और भी ज़्यादा हो रहा है।